सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले में घुसने, उपद्रव करने, तोड़फोड़ करने और लाल किले के प्राचीर पर दूसरा झंडा फहराने जैसे देश विरोधी कृत्य करने के विरोध में और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सम्मान में सोनीपत के विभिन्न सामाजिक संगठनों ने मिलकर तिरंगा सम्मान यात्रा निकाली। यात्रा सोनीपत के गांधी चौक से शुरू होकर सुभाष चौक पर संपन्न हुई। इस मौके पर पंजाबी हरियाणा एकता मंच के प्रधान सुंदर मदान ने कहा कि किसानों की आड़ में कुछ असामाजिक तत्व इस आंदोलन में घुस चुके हैं और हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे उपद्रवियों पर सरकार सख्त कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि आंदोलन शांतिपूर्ण हो और ऐसी जगह हो जिससे किसी को कोई दिक्कत ना हो। पिछले 2 महीनों से लोग परेशान हैं, हम सरकार से मांग करते हैं कि इसका जल्द से जल्द समाधान हो। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। ये जो हमारे 26 जनवरी को लोगों ने हमारे तिरंगे का अपमान किया है उसके विरोध में हमने निकाली है। किसानों के साथ साथ कुछ उपद्रवी भी शामिल हो गए हैं इसमें। जो उपद्रवी हैं उन्होंने ही 26 जनवरी को जाके जो है वहाँ पे उद्यम मचाया है, हमारे तिरंगे झंडे को बदनाम किया है और अपना झंडा जो लगाया ये गलत है सरासर। सरकार से हम यही चाहते हैं कि इनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी सिंह बॉर्डर को खाली करवाया जाए। लोग काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी दिनों से 2 महीने से लोग ना धंधा कर पा रहे हैं, ना दिल्ली आ रहे हैं, ना जा रहे हैं, 5-5, 6-6 घंटे लोगों को रख रहे हैं। अगर इनको धरना ही देना है तो कहीं खेत में बैठ के दें, आम जन को, आम जो जन है वो परेशान ना हो।